हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है। टोटल टारगेट रखे हैं 2500 क्वेश्चन कराने का, जिसमें से 400 क्वेश्चन करा चुके हैं फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का। तो आज जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑटो हान, मेंडलीफ, एंटोनियो लेवाजियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो लेवाजियर। एंटोनियो लेवाजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि द्रव की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या परिवर्तनशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। द्रव की 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचों अवस्था है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो न्यूनतम तापमान पर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण की अवस्था शामिल नहीं होती है, कोलाइड, गैस, द्रव, ठोस। तो आपको बताना है कि भौतिक वर्गीकरण की अवस्था में शामिल नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलाइडल। कोलाइडल जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, जबकि पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा घनीभूत, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत या गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत। ये जो है न्यूनतम तापमान पर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, यह आपको बताना है। इसकी संरचना नियत होती है, यह दो या दो से अधिक तत्वों से यौगिक द्वारा बना होता है, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुण को बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। ये जो है मिश्रण का, आपको बताना है कौन मिश्रण का गुण नहीं है। तो इसका सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि ये तो मिश्रण के गुण है, कौन मिश्रण का गुण नहीं है ये बताना है। तो इसकी संरचना नियत होती है, ये मिश्रण के गुण नहीं है। मिश्रण जो है इसकी संरचना नियत नहीं होती है, इसीलिए ये मिश्रण का गुण नहीं हुआ। बाद बाकी तीनों मिश्रण के गुण है। मिश्रण जो है दो या दो अधिक तत्व अथवा यौगिकों द्वारा बना होता है, जैसा कि आप हवा देख लीजिए, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि द्वारा बना होता है। तो ये दो या दो से अधिक तत्व या फिर जो है यौगिक द्वारा बना होता है। और मिश्रण को भौतिक तरीकों से भी अलग किया जाता है और किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हवा में जो होता है नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, और नाइट्रोजन का जो गुण होता है कि ये गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है। तो ये जो है ये नाइट्रोजन जो है हवा का, इसीलिए कोई किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, ये गंधहीन होता है। तो मिश्रण के जो घटक है अपना गुण बनाए रखते हैं। तो इसमें जो होगा सही आंसर वो ए नंबर होगा, इसकी संरचना नियत होती है, ये गलत है, इसकी संरचना जो है नियत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, पानी एक मूल तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है।
मिश्रण इसलिए नहीं होगा, पानी जो है यौगिक होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो अर्थात ये यौगिक है, ये मिश्रण नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होता नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा एक गैस है, तो हवा क्या है आपको बताना है, शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिक का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए जो है कार्बन के परमाणु भार से तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगाडो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाद ने। कनाद ने सबसे सर्वप्रथम बताया कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कण से बना था, लेकिन डाल्टन ने बताया कि, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था इसने, इन्होंने बताया कि सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक हो, मिश्रण हो या फिर कोई भी तत्व हो, ये जो है अत्यंत सूक्ष्म कण से बना होता है और जिसे नाम दिया था परमाणु। तो ये है डाल्टन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, यह आपको बताना है, ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो एक तत्व है, एक एलिमेंट है, जबकि कांच, इस्पात और पीतल तीनों मिश्रण है। पीतल जो बना होता है कॉपर प्लस जिंक अर्थात तांबा तथा जिंक से बना होता है, और इस्पात जो बना होता है ये मैग्नीज, निकिल और क्रोमियम से बना होता है, मैग्नीज, निकिल और क्रोमियम से बना होता है। जबकि कांच जो होता है बहुत प्रकार का होता है, जो आमतौर पर हम लोग कांच प्रयोग करते हैं वो सोडा लाइम कांच, जैसे खिड़कियाँ, बर्तन, गिलास, ये सब में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें 75% जो है सिलिका का प्रयोग होता है, SiO2 का प्रयोग होता है कांच बनाने के बाद। सिलिका के अलावा भी सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इत्यादि जैसे तत्व यौगिक का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये आपको बताना है, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया जो है ये रासायनिक यौगिक है, इसका फॉर्मूला NH3 होता है, जबकि पारा HG एक तत्व है, वायु जबकि मिश्रण है और ऑक्सीजन भी एक तत्व ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जैसा कि अभी बताया कि डाल्टन ने बताया था कि सभी द्रव जो है चाहे तत्व यौगिक हो, ये जो है अत्यंत सूक्ष्म कण से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणुविक सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, परमाणु का ये प्रचलित वैज्ञानिक मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये जो दिया गया था आपको बताना, एंटोनियो लेबोजियर, जे.जे. थॉम्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट बॉयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लम पुडिंग मॉडल, जो जे.जे. थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन सा है, आपको बताना है परमाणु के तीन मूल कण के नाम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों तथा आयनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु के मूल कण होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा नाभिक में और एक कण होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, जो आधुनिक इसमें केमिस्ट्री में खोजा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है।
तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आप किसका योग करेंगे? केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही द्रव्यमान संख्या होता है, और किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए तो परमाणु उदासीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो है न्यूक्लियर परमाणु के नाभिक का कण नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका जैसा कि अभी बताया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है नाभिक में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये न्यूक्लियर का कण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर, अल्बर्ट जे जे थॉम्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था ये जे जे थॉम्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बताना, सही आंसर बताइए, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो है उदासीन नहीं होता, ये ऋणात्मक होता है। नेट आवेश तो उसमें होता है, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जो है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है इतना। नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है, तो यहाँ पे सकारात्मक तो होगा नहीं, नेगेटिव होगा। नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है, तो नेट आवेश के साथ जो नकारात्मक है, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, शून्य तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु के कणों में सामान्यतः उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किसी परमाणु के कण जो उसके उपपरमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटोन, न्यूट्रॉनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकण। जो परमाणु कणों से सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे प्रतिकण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बताना है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण बताना है। तो पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि प्रोटॉन जो है जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे का विपरीत कण होता है, इसी कारण परमाणु उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल विपरीत कण होगा वो प्रोटॉन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त गैस की उपस्थिति में विद्युत का सुचालक बनाती है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मेटल हो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत उसमें चालन कर सकता है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सकता है। लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी कारण लकड़ी में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी ये आपको बताना है। चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने, न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कण बोसान के नाम से संबंध किसका नाम है? आपको बताना है कण बोसान जो है किस वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है? जेसी बोस, एसएन बोस, आइजेक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसएन बोस। कण बोसान क्या होता है? एसएन बोस, इनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। इन्होंने बताया था कि भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु होते हैं, कण होते हैं, एक बोसान नाम दिया था और एक फर्मियान नाम दिया था। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका, एक परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ये गलत है क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है,
एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, यह भी गलत है क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, यह भी गलत है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, बिल्कुल समान हो सकती है क्योंकि जो है जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि परमाणु द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो ये एकदम सही है, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, तो बिल्कुल किसी तत्व के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि जिसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक जो है क्या हो जाएगा C6H12, एक 12 परमाणु संख्या तो समान है 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या का अंतर होता है, कार्बन 6 कार्बन 13 है ना, तो जो है ये भी संभव है। अगला है किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि किसी तत्व के सभी परमाणु में जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला है किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान सदैव समान होती है, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे हम लोग आइसो न्यूट्रॉनों या सम न्यूट्रॉनों बोलते हैं, सम न्यूट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे जो है सदैव पूछा है, इसीलिए हमेशा समान नहीं होता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ इसी में से किसी में भी अगर सदैव लिखा रहता तो ये फिर गलत हो जाता, दोनों होता है। किसी परमाणु के परमाणुक संख्या से निम्नलिखित में किसकी संख्या का पता चलता है, तो किसी भी परमाणु जो है किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है उससे हमें क्या पता चलता है, सॉरी किसी परमाणु के परमाणुक संख्या जो परमाणु संख्या है उससे हमें क्या किससे पता चलता है कि इनका ये इतना परमाणु की संख्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो किसी तत्व का जो किसी पदार्थ का उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, तो जो है परमाणु प्रोटॉन की संख्या से हमें परमाणु संख्या का पता चलता है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में कौन सा है, तो जो है किसी तत्व का जो गुण आपको पता करना है तो उसके आप किससे पता करेंगे, घनत्व क्वथनांक द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक, तो इसका सही आंसर होगा सबसे जो अच्छा जो गुण पता करने का है किसी तत्व का वो परमाणु क्रमांक है। आप किसी तत्व का परमाणु क्रमांक से बता सकते हैं कि इनका क्या क्या गुण होगा, इसीलिए तो आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों का परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना से अधिक है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि फास्फोरस का परमाणु संख्या से अधिक, तो फास्फोरस का तो परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए, इसका 15 होता है, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, सिलिकॉन का जो होता है 14 होता है, और मैग्नीशियम का तो जानते ही हैं 12 होता है, तो फास्फोरस से अधिक है बोला है तो सही आंसर क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है, तो नियॉन का आपको पता होना चाहिए 10 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और नाइट्रोजन का 7 होता है, मैग्नीशियम तो जैसे अभी बताया 12, और बोरोन का जो होता है 5 होता है, तो नियॉन से अधिक है, तो नियॉन से अधिक कौन हो जाएगा मेरा जो है ये मैग्नीशियम का 12 होता है, तो नियॉन से अधिक जो है वो मेरा मैग्नीशियम हो जाएगा, तो सही आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होता है ये आपको बताना, तो फिर से वही सवाल, आयरन आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या 26 होता है, मैग्नीज जो होता है इनका परमाणु संख्या 25 होता है, कोबाल्ट का जैसे आपको पता है 27 होता है,
कैल्शियम का जो है 20 होता है और क्रोमियम का जो होता है वो 24 होता है। तो आयरन की तुलना में अधिक कौन हुआ? कोबाल्ट 27 होता है, तो इसका सही आंसर 27 हो जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एकदम, और जो है आपको ये बताना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए, ये कमेंट में कर देना है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।